दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है मैं ओका मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर डायटरी स्ट्रेटेजी जिसका नाम है इंटरमीडियट फास्टिंग अब आई पर्सनली लाइक इंटरमीडियट फास्टिंग का लॉट क्योंकि बहुत आ, कोई, बहुत कोई चीजें करनी नहीं पड़ती आपको कोई चीज खरीदनी नहीं पड़ती इजी है बहुत आराम से मैनेज हो जाती है लेकिन बात करेंगे कि इंटरमीडियट फास्टिंग है क्या अभी जो करंट साइंटिफिक लिटरेचर है क्या कहता है क्योंकि ये जो इस वीडियो का आइडिया था एक्चुअली मेरे क्लाइंट से आया था तो ये ऐसे महाशय थे जिन लोगों का मसल लॉस हुआ था एटलीस्ट

फास्टिंग बेसिकली एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है ईटिंग का तो दो बहुत कॉमन तरीके हैं जो लोग यूज करते हैं एक ऐसा होता है कि आप 16 घंटे कुछ नहीं खाते और 8 घंटे खाते हो जैसे लेट्स 12 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया 8 बजे आपका डिनर हो गया तो 12 टू 8 आठ घंटे की विंडो हो गई और बाकी पूरे दिन घंटे में से तो जो सोने वाला टाइम में वो इंक्लूड होता है तो बाकी जो टाइम आपने कुछ नहीं खाया और एक दूसरा होता है उससे हम एडीएफ बोलते हैं ऑल्टरनेटिव फास्टिंग इसमें क्या होता है कि एक दिन आप कुछ नहीं खाते एक दिन आपका जो मन में आए खाते हो इस टाइप की चीजें लेकिन बिफोर बफोर मूव ऑन द वीडियो आई वॉन्ट टू नो अबाउट अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट दट

तो सिंपल एक शब्दों में बताता हूँ के चलिए आज आप कैलोरीज खा रहे हो अगर आपको वेट गेन करना है तो और और आपको एक खानी पड़ेगी पड़ेगी वेट वेट लूज लूज करना तो तो करनी पड़ेंगी। ताकि आप वेट लूस करो तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है है जानना जरूरी है कि वॉट इफ अगर मुझे इंटरमीडियंट फास्टिंग करने का मन नहीं है क्या मैं वेट लॉस कर सकता हूँ क्या मेरे मेटाबॉलिक पैरामीटर इंप्रूव होंगे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स होते हैं जैसे बॉडी मास इंडेक्स एच ब्लड प्रेशर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इंसुलिन रेजिस्टेंस तो ये सारे के सारे बेसिकली हमारे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स होते हैं तो ठीक है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि मुझे इंटरमीडियंट फास्टिंग नहीं करनी मुझसे नहीं होती मुझे लेकिन वेट लॉस करना है बाकी सारे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स इंप्रूव करने तो क्या इंटरमीट फास्टिंग में ऐसी कोई मैजिकल चीज है कि मुझे करनी ही पड़ेगी ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले हम ये पेश करते हैं एक रैंडम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है और एक साल का ट्रायल है विच इज लाइक गुड अब इसमें क्या था इसमें दो ग्रुप्स थे और टोटल आई गेस एक पार्टिसिपेंट थे इसमें पचास मेल थे और फिफ्टी परसेंट फीमेल्स थी ट्वेंटी वन टू सेवेंटी के बीच में थे और जो बी था वो थर्टी टू फोर्टी फाइव के बीच में था ठीक है तो ये देखा गया था कि जब तक दोनों की कैलोरीज बराबर रखी जाती हैं तो जो वेट लॉस वाला पार्ट था जो मेटाबॉलिक वाला पार्ट था वो सारा का सारा का सेम रहा और ये बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है लेकिन पता जब अगर आप पूरा लिटरेचर देखोगे ना बड़े सारे लिटरेचर में या बड़ी सारे बड़े सारे रिव्यूज में एक पर्टिकुलर स्टडी का मेंशन किया जाता है और जो ये आउटलायर स्टडी है ये ट्वेंटी डिसंबर टू को पब्लिश हुई थी और इस स्टडी में क्या किया गया था कि ये देखा गया था कि जब दोनों लोगों को हम जो दोनों हमारे

अल्टीमेटली बात अभी भी कैलोरीज के हिसाब से ही आ रही है कि अगर आप कैलोरीज कम खा रहे हो तो जो सारे बेनिफिट्स हैं वो आएंगे क्योंकि कैलोरी कम खाओगे वेट लॉस होएगा होगा हेल्दी तो इस सारा का सारा जो इसके साथ में एक अच्छा बढ़िया इफेक्ट होता है वो आपको सारा मिलेगा अब जो एक लेटेस्ट एक कुछ टाइम पहले एक स्टडी आई थी ये है ऑगस्ट एट ट्वेंटी का और इसमें यह देखा गया था कि जो इफेक्टिवनेस है अर्ली टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग की वेट लॉस पे फैट लॉस पे और कार्डियो कार्डियोमेटाबोलिक हेल्थ के ऊपर वो सब्सटैंशियल है तो कहने का मतलब ये कि अगर हम कभी भी ना खाए

के चलिए आपकी जो करंट ईटिंग हैबिट्स हैं हो सकता है वैसे ही आ, सारे मील्स अपने 10 घंटे के अंदर खा रहे हो ठीक है तो उसके बाद खास फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर इमेजिन कुछ लोग सुबह 6 बजे से खाना शुरू करते हैं और रात रात के 10 बजे 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 तक खाते रहते हैं सुबह बैठी होगी दूध या कुछ डिनर हो गया तो बहुत बड़ी विंडो है तो इन केसेज में आप देखोगे की फायदा ज्यादा होता है तो मैटर यही करता है कि आप आ कहां से रहो कंटेक्स वही डिफाइन करता है अब जब मैं फास्टिंग की बात करते हैं तो एक चीज बहुत मेन्शन होती है हैं बोलते हैं जो करने में होती है। तो अगर आप का मतलब है, तो ऑटोफजी होता क्या कि बॉडी अपने आप को खाती, है खुद। खाती मतलब जो वेस्ट सेल है जो बाकी उनको बाहर निकालती है तो thing, और, uh, जो ऑटोफैगी है, है और फास्टिंग लॉन्गर ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे मोस्टली हम अभी चौबीस घंटे तक फास्टिंग की ही बात कर रहे हैं क्योंकि इंटरमीडियल फास्टिंग में इतना ही टाइम फ्रेम मैक्सिम यूज होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ऑटोफैगी सिर्फ फास्टिंग से हो आपकी जो वर्कआउट है एक्सरसाइज है उससे ऑटोफैगी होती है

ज उस हिसाब से नहीं है जो आपके गोल्स है थर्ड पार्ट इंटरमीडियट फास्टिंग एक personally एक पर्सनली बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है क्योंकि बहुत सिंपल है है इससे क्या होगा अगर maximum लोग जो वेट लॉस अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं और कम सब बेनिफिट करेंगे अगर आपने एक विंडो अपनी बना ली कि भाई हमने यहाँ से यहां तक की खाना है उसके बाहर नहीं खाएंगे तो मैक्सिम लोगों में कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है तो स्ट्रक्चर बनाने बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि रिजल्ट उसके बाद ही फॉलो करेंगे तो आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग स्ट्रक्चर लो कॉस्ट जीरो कॉस्ट स्ट्रक्चर है तो अप्लाई करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए लेकिन एक और चीज है कुछ लोगों को इंटरमीडियंट फास्टिंग नहीं सूट करती अगर कर रहे हैं कि आप इसलिए uh, तो एक एक अगर सोलह आठ नहीं फॉलो होती तो बी आप ईटिंग विंडो दस कर लीजिए टेन फोर्टीन कर लीजिए लेकिन बारह चौदह घंटे विंडो मत कीजिए ऑल दो हमारे लिटरेचर में कुछ खास नहीं है लेकिन अगर आप देखो तो हमारे जो पूर्वज लोग कैसा खाना खाया करते थे तो उनके ईटिंग पैटर्न में सबसे

केस यॉन्ट चेक द रेफरेंसेस सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हो बस यू नेक्स टाइम टू डे